हाय फ्रेंड्स, ये मेरे पास हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग के पास ये एक पर्सन है, वो ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बैंक। ये दूसरे साइड है बैंक के, और ये अपोजिट साइड ऑफ बैंक के ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑफ अ ट्री को। टू बी ये हमारे पास ट्री है, इसको ये ऑब्जर्व करता है एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑब्जर्व करता है। और यहाँ पे फिर फर्दर क्वेश्चन, व्हेन ही मूव्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अबे ये जब बैंक से अवे मूव करता है 50 मीटर अवे मूव करता है 50 मीटर, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो गया ट्राइंगल ए बी सी ए डी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है ये हाइट क्या है ट्री की। ये हम लोग के पास रिवर थी, ये ऐसे रिवर थी हम लोग के पास। अब ये रिवर से ये जब 50 मीटर अवे गया तब 30 डिग्री हो गया एलिवेशन, पहले 60 था। और हम लोग को फाइंड करना है ये एक्स विथ क्या है रिवर की, विथ ऑफ रिवर एंड हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री ये है एच, और ये एक्स हो गया विथ ऑफ रिवर। तो फिर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है क्वेश्चन में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की, कि अगर ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो ये डायग्राम हम लोग को 1 1 मार्क्स का हुआ। डायग्राम के हम लोग में मार्क्स होते हैं। तो फिर सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले देखते हैं एच और एक्स में रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले टेन सिक्सटी ए बी सी में देखते हैं, टेन सिक्सटी इक्वल टू एच अपॉन एक्स करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एच अपॉन एक्स, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो हम देख सकते हैं एच इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स आ रहा है हम लोग को, एच इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी बाद में यूज़ होगा, इसको अभी ध्यान में रखना होगा। तो फिर हम दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी, तो इसमें हम देखते हैं 30 डिग्री है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टेन 30 यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी डी है तो एक्स 50 + x इसका पूरा बेस होगा, और हाइट तो वही रहेगी क्योंकि ट्री की हाइट वही रही है, लेकिन ये बेस है 50 + x हो जाएगा। तो फिर इन ट्रायंगल ए बी डी, टेन टेन 30 इक्वल टू हाइट अपॉन 50 + x, 50 + x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 इक्वल टू एच का हम लोगों ने अब रिलेशन निकाला था, दोनों टर्म्स में ये नहीं हो सकता, तो फिर एच इक्वल टू √3 टाइम्स हम लोग पास एक्स है, ये हम लोग पुट कर देंगे, √3 टाइम्स एक्स अपॉन 50 + x है। तो √3 × √3 टाइम्स एक्स, √3 × √3 3 बचेगा, तो 50 50 + x इस साइड ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 + x इक्वल टू 3x, √3 × √3 3 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस कर देंगे, 3x - x इक्वल टू 2x, तो 50 इक्वल टू 2x, ये 225 सा 50 हो गया, 225 सा 50, तो x की वैल्यू हम लोग के पास आ गई 25। x की वैल्यू हम लोग के पास 25 आ चुकी है। उसके बाद अब हाइट ऑफ ट्री निकाल लेते हैं। जो हाइट ऑफ ट्री थी ये तो हो गया हम लोग की विथ ऑफ रिवर, विथ ऑफ रिवर। अब हाइट निकालने के लिए हम लोग को रिलेशन याद है, हाइट इक्वल टू √3 × x था, √3 × x था, तो हाइट इक्वल टू √3 × x की वैल्यू हम लोग के पास है 25 × 25 कर देंगे, तो √3 × 25 हो गया हम लोग के पास 43.3 मीटर, और x इक्वल टू 25 मीटर हम लोग की विथ ऑफ रिवर आ चुकी है, और हाइट ऑफ ट्री हम लोग की आ चुकी है जो कि है 43.3 मीटर्स। ये हाइट ऑफ ट्री है, ऑफ ट्री,
दोनों चीज़ें, दोनों एच और एक्स की हम लोग के पास वैल्यूज आ चुकी हैं। जो विथ ऑफ रिवर है वो 25 मीटर है, और जो एच है हाइट ऑफ ट्री वो 43.3 मीटर्स है। थैंक यू।